नमस्कार, आज तक एआई के स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि आखिर गौतम गंभीर की किस हरकत को लेकर उनकी आलोचना हो रही है। एशिया कप 2023 में सोमवार को भारत ने अपना दूसरा मैच नेपाल के खिलाफ खेला। टीम इंडिया ने डकवर्थ लुईस नियम से इस मैच को बेहद आसानी से जीत लिया। इस दौरान स्टेडियम में गौतम गंभीर भी दिखाई दिए। गंभीर कॉमेंट्री पैनल का हिस्सा है। गंभीर ने यहां कुछ ऐसा किया जिससे उनकी आलोचना भी होनी शुरू हो गई। दरअसल गौतम गंभीर ग्राउंड से कमेंट्री रूम में जा रहे थे। कमेंट्री रूम के रास्ते में उनका सामना विराट कोहली के फैंस से हुआ। विराट कोहली के फैंस गंभीर को देखकर कोहली कोहली चिल्लाने लगे। इस दौरान गंभीर के पीछे पीछे एक कर्मी भी था जिसने उनका छाता पकड़ा हुआ था। विराट कोहली के फैंस लगातार गंभीर को देखकर कोहली कोहली चिल्लाए जा रहे थे। आगे जा चुके गंभीर अचानक पीछे पलटे और मिडिल फिंगर का इशारा किया। गंभीर की इसी हरकत की हर तरफ निंदा होनी शुरू हो गई है। बता दें कि विराट कोहली और गौतम गंभीर कई बार मैदान में आमने सामने आ चुके हैं। इसी साल आईपीएल में भी गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच नवीन उल हक को लेकर गर्मा गर्मी देखी गई थी। साल 2013 में भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच के दौरान ये दोनों खिलाड़ी आपस में भिड़ गए थे। हालांकि गौतम गंभीर का कहना है कि इस तरह की विवादित चीजों को वो मैदान पर ही छोड़ देते हैं, वो इसे मैदान से बाहर नहीं ले जाते। बहरहाल गौतम गंभीर पूर्व क्रिकेटर हैं, अभी वो एक कमेंटेटर भी हैं। लेकिन एक और बात जो उनके साथ जुड़ी हुई है वो ये कि वो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं। गौतम गंभीर की इस हरकत ने राजनीतिक रूप भी ले लिया। आम आदमी पार्टी ने अपने एक्स हैंडल से पूरी घटना का वीडियो पोस्ट किया और लिखा कि बीजेपी सांसद गौतम गंभीर की शर्मनाक हरकत। हैंडल पर आगे लिखा गया, बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने भारतीय क्रिकेट फैंस को मिडिल फिंगर दिखाई। बीजेपी सांसद ने ऐसा भारतीय फैंस से भरे स्टेडियम में किया, क्या स्मृति ईरानी अब इसका विरोध करेंगी जैसा उन्होंने कथित फ्लाइंग किस मामले को लेकर किया था। आज तक एआई के स्पोर्ट्स बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली बार किसी नए अपडेट के साथ। आप देखते रहे आज तक एआई। नमस्कार।